आ रहा भाई, इसको तो रास्ता देना चाहिए भाई, बट फिर भी जाम में भाई एक एक नहीं दो दो, आधा रास्ता तो ये बस ही ले लेता भाई। तो बताओ यार, मतलब जाम, मतलब ये सब जाहिल लोग होते भाई जो ऐसे खड़ा करते ना, प्लस सेल्फी ले रहा है, देख रहे हो इसको, क्योंकि हम लोग 20 और फिर 30 का स्पीड से ही जा रहे हैं, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं जा रहे, क्योंकि इधर ना बस वाले काफ़ी गंदे तरीके से ओवरटेक करते हैं, तो भाई जान प्यारा है तो ओवरटेक अपन लोग नहीं करेंगे। और ये भगवान जी का है भाई मंदिर, सो जय श्री राम भाई, बस जहाँ भी जाओ ना वहाँ जय श्री राम का नारा लो भाई, दिन अच्छा जाता है। को स्टेशन यार अंदर से ये क्रॉसिंग वाला कितना मस्त दिया यार, कुछ अलग ही इसका क्रॉसिंग है यार, काफ़ी काफ़ी मस्त लग रहा है यार एंट्री वाला देख के मेरे को भाई, अच्छा अच्छा स्टेशन को फेल कर देगा ये तो। बाइक बाइक लाने वाला इधर से देखो, इधर से चढ़ाने वाला, ये में भी लगता है ना न्यू बना है, बाइक लाने का बन रहा है, प्लस उसका तो अभी काम चल रहा है, देख रहे हो कैसे मेहनत से लोग काम करते हैं भाई, बल्कि धूप कितना भी हो भाई इनका काम काम होता है। तो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, सुस्त होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, आज अपन लोग आप लोग को इस्लामपुर का रेलवे स्टेशन दिखाने वाले, क्योंकि कल मैंने आप लोग को इकंगर सराय दिखाया था, तो मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो इस्लामपुर का दिखाएंगे और फिर बेना का। तो आज अपन लोग जल्दी से घर से निकलते हैं और फिर इस्लामपुर की ओर जाते हैं, क्योंकि यार अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और अभी थोड़ा सा अंधेरा है तो आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी अपन लोग सवेरे निकलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो ज़्यादा रास्ता भी तय करना पड़ेगा, इसीलिए जल्दी से अपन लोग निकलते हैं, बिना खाए पिए जाएंगे गाइस, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है जाने में। तो निकलते हैं और डायरेक्ट आपको एकंगर सराय में मिलते हैं गाइस। तो फाइनली भाई अभी अपन लोग एकंगर सराय मार्केट पहुँचे भाई, यहाँ से ना अपने को वहाँ देखो बस का स्टॉप भाई, दो दो बस आ चुका, आगे जाम लग चुका है, तो अपने को यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे ना, जो ये चार मोड़ दिख रहा है, चार मोड़, एक लेफ्ट जाएगा, एक राइट जाएगा, एक सामने जाएगा, तो सामने की साइड जहानाबाद और राइट साइड हिलसा और फिर लेफ्ट साइड एकंगर क्या बोलते हैं ना उसको, इस्लामपुर। तो अपने को लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा यहाँ से, ये देखो दो बस के बीच में ना इतना भयानक जाम लगता है भाई। तो अभी तो अपन लोग जा ही रहा है, जाम इतना खतरनाक वाला कैसे लग जाता है यार, इधर जगह कम और फिर बस भी देखो ना तो दो दो है, और मार्केट देखो अच्छा है यार, खुला खुला सा मार्केट मस्त लग रहा है, बट धूप में गर्मियाँ भी लग रही है अपने को। तो अभी जाम टूटने वाली है लाइक कुछ ही मिनट है, बट अपने को यहाँ से ये साइड जानी है, लेफ्ट साइड जानी है, देख रहे हो तारबूज की तरफ अपने को जानी है, तो बस यहाँ से थोड़ा सा जो मेन मोड़ हो जाता ना, यहाँ पे चार मोड़ हो जाता, इसी कारण से जाम लगता, एक सामने के साइड जहानाबाद चला जाता और राइट साइड देखोगे इधर तो इधर पड़ जाता है हिलसा और फिर उधर से इधर न्यामा होते हुए पटना, और इधर लेफ्ट साइड जाओगे तो इस्लामपुर हो जाता है। तो सारा गाड़ियाँ व्हीकल्स पास होगी तो जाम तो लगेगी ना, और प्लस देखो ट्रक इस एम्बुलेंस आ रहा भाई, इसको तो रास्ता देना चाहिए भाई, बट फिर भी जाम में भाई क्या ही बोल सकते हो यार, जगह कम है ना इसी कारण से। साइड से निकलते हुए भाई जाम, ये बस के कारण काफ़ी गंदा वाला जाम था, और फिर ये देखो अपन लोग लेफ्ट साइड आ चुके हैं, यहाँ भी एक बस खड़ा है भाई, एक एक नहीं दो दो, आधा रास्ता तो ये बस ही ले लेता भाई। तो बताओ यार, मतलब जाम लगे भी आए फिर जाम लगे या फिर कैसे ना लगे भाई, आप लोग बताओ, ऐसे सारे लोग व्हीकल्स खड़े कर देते, ये देखो। तो मतलब यही सब के कारण ना ज़्यादातर रोड पे जाम लगती इधर का मार्केट में, एकंगर सराय का मार्केट में। और फिर देखो भाई, मतलब एरिया काफ़ी मस्त मेरे को लगता है यार, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है मेरे को जगह, लेकिन कुछ लोग के कारण ना जाम लगना बहुत ही भयानक हो जाता है, जाम लगता है इधर। तो सामने एक साइड देखो पानी वाला, वो भी बीच रोड में ही खड़ा कर दिया भाई, मतलब ये सब जाहिल लोग होते भाई जो ऐसे खड़ा करते ना, प्लस सेल्फी ले रहा है, देख रहे हो इसको भाई, बीच रोड में खड़ा करके ना व्हीकल्स को सेल्फी ले रहा है, बताओ ये कहाँ का नियम है यार, नियम का उल्लंघन ये लोग करता है भाई, इन लोगों को ना चालान काटना चाहिए, जो पटना में होता है ना और बिहार के और सारे डिस्ट्रिक्ट में होता है ना, वो यहाँ भी होना चाहिए भाई चालान सिस्टम। सो भाई अभी हम लोग महाराजगंज पहुँचे हैं, अपना मम्मी का नानी घर, और यहाँ से इस्लामपुर 8 किलोमीटर और है, तो क्योंकि हम लोग 20 और फिर 30 का स्पीड से ही जा रहे हैं, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं जा रहे, क्योंकि इधर ना बस वाले काफ़ी गंदे तरीके से ओवरटेक करते हैं, तो भाई जान प्यारा है तो ओवरटेक अपन लोग नहीं करेंगे, और फिर मेरे कारण किसी और को कुछ दुर्घटना हो ये भी अपन लोग नहीं चाहते, बट सारे व्हीकल्स वाले लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, जैसे तैसे ओवरटेक करते हैं, इसी को देख लो भाई कहाँ से ओवरटेक करके काटा है, सोचो। तो ऐसा बिल्कुल मत करना यार, क्योंकि अपने कारण तुम तो जाओगे ही प्लस दूसरों को जान लोगे, तो ये बहुत ही गलत बात है, तो इसी कारण से ओवरटेक ज़्यादा मत करो, बस थोड़ा सा कोई जाओ लेट से ही पहुँचेगा ना, लेकिन सही सलामत अगर पहुँचोगे ना वो सही होता है। तो भाई मैं बोल रहा था ना ओवरटेक, भाई ये ट्रक वाले को देख रहा हूँ कितना गंदा वाला भी ओवरटेक किया, बट ये देखो भी
ही गंदा ओवरटेक नहीं करा था भाई, मतलब एकदम पूरा रोड पे चढ़ गया और फिर साइड में कर लिया वो। तो ऐसा ओवरटेक नहीं करना चाहिए यार, तुम्हारी जान तो जाएगी जाएगी, साले तुम्हारे कारण दूसरे की जान जाएगी जो मासूम होते हैं। तो भाई इस्लामपुर में आपका स्वागत है। तो आप लोग इस्लामपुर पहुंच गए हैं और फिर ये देखो इस्लामपुर का बोर्ड भी लगा है, प्लस ये लकड़ी वाला, मेरे को लगा नर्सरी है बट ये लकड़ी वाला ऐसे ही कटिंग वाला रखा हुआ है। प्लस इधर तालाब काफी मस्त है यार, मंदिर के पीछे ना एक तालाब होना चाहिए जो कि यहाँ पे है, आगे मंदिर और पीछे में तालाब। और इस्लामपुर का भाई मार्केट कुछ ऐसा है, अभी मार्केट नहीं आया, लाइक ये मेन मार्केट नहीं बोल सकते बट फिर भी मेरे को पता नहीं है, तो मेन मार्केट ही बोल लो यार, कुछ भी बोल लो, बट अपने को पता नहीं है मेन मार्केट है या फिर नहीं है। तो आगे चलते हैं ना, आगे देखते हैं मार्केट ये है या फिर इस्लामपुर का कोई और भी मार्केट है। ये देखो यहाँ पे जाम, एक बस के कारण बोलते हैं ना, बस वाले लोग जाम लगाते हैं, ये देख लो बस के कारण ही जाम लगता है भाई। तुम लोग कुछ भी बोलो, कोई कुछ भी बोले, बस के कारण जितना जाम लगता है ना उतना कहीं जाम नहीं लगता किसी के कारण। प्लस ये टोटो, बस और टोटो दो के कारण सबसे ज़्यादा जाम लगता है, क्योंकि टोटो जहाँ मन किया वहाँ रुक के पैसेंजर लेता है, उसको साइड करने का कोई आवश्यकता होती नहीं है भाई। और फिर ये शायद इस्लामपुर का इधर कुछ अच्छा स्टैंड है क्या इधर अंदर के साइड में भी होगा बट मेरे को पता नहीं है। ये मंदिर जय श्री राम, तो जय श्री राम भगवान कोई एक वीडियो अपना वायरल करवा दो। बाहर आगे के साइड देखो ना, तो ये श्री बालाजी फास्ट फूड, अपने को भूख भी लगी है बट फास्ट फूड अभी बंद है, क्योंकि भूखे आए ना यहाँ पे अपन लोग वीडियो के लिए सुबह सुबह, क्योंकि ज़्यादा धूप ना लगती इसी कारण सुबह अपन लोग निकले हैं कि वीडियो भी बन जाएगी, धूप भी ना लगेगी, प्लस और ही कुछ बात होती है ऐसा, इसी कारण से अपन लोग सवेरे ही आ गए गाइस। पता ना इस्लामपुर का मार्केट वो नहीं था, ये देखो इस्लामपुर का मार्केट भाई काफ़ी अच्छा, ज़्यादा सामान यहाँ पे सारा कुछ मिलता है यार, सब्जी फल और प्लस मॉल भी पीछे के साइड था बट उसका वीडियो नहीं बना पाए। मार्केट काफ़ी बड़ा सा है यार, मेरे को लगा छोटा सा मार्केट होगा लेकिन यार इस्लामपुर का मार्केट तो काफ़ी हेवी और फिर काफ़ी बड़ा है भाई। एक अंकल बोले सामने की साइड जाओ, इस्लामपुर रेलवे स्टेशन है। तो अपन लोग ये मंदिर के राइट साइड मुड़ते हैं, जगदम्बा द्वार, ये भगवान जी का है भाई मंदिर। तो जय श्री राम भाई, बस जहाँ भी जाओ ना वहाँ जय श्री राम का नारा लो भाई, दिन अच्छा जाता है मेरे को ऐसा मानना। इधर मार्केट प्लस मंदिर देखो, ये थाना है ना, मेरे को बोले थे ना इधर एक थाना भी है, इस्लामपुर थाना ये है। सो फाइनली भाई आगे रेलवे स्टेशन है इस्लामपुर का भाई, मतलब इतना ज़्यादा घूमना पड़ता है ना, इतना अंदर आओ ना उसके बाद रेलवे स्टेशन। प्लस मैं सोचा था और फिर वही हुआ भाई, वो रास्ता इतना साकेत है ना, इतना पतला है ना उसके कारण कि जाम लगती ही लगती है। अभी जाम में फंस गए अपन लोग आए, हालांकि अभी 10 नहीं बजा, 5-10 मिनट जाम में फंसे हैं बट पहुंच गए फाइनली। वो सामने देखो इस्लामपुर स्टेशन है, वो दिख रहा है, ये देखो भाई मतलब चढ़ने वाला ऊपर कैसा है, क्रॉसिंग ब्रिज काफ़ी मस्त वाला है। स्टेशन तो काफ़ी अच्छा होगा, डिसेंट प्यारा सा होगा स्टेशन, मेरे को बाहर से ही देखने में ऐसा लग रहा है। और फिर सामने की साइड देखो ना तो ऐसा ही दिख भी रहा है भाई, मतलब क्रॉसिंग वाला जब इतना ज़बरदस्त है तो अंदर का स्टेशन कितना मस्त होगा, बट वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा ना स्टेशन कैसा है। देखो स्टेशन यार अंदर से ये क्रॉसिंग वाला कितना मस्त दिया यार, कुछ अलग ही इसका क्रॉसिंग है यार, काफ़ी मस्त लग रहा है। और फिर ये स्टेशन देखो बाहर से कुछ ऐसा है, पीछे खाने पीने वाला सामान यहाँ पे, और ये देखो पार्किंग का एरिया, प्लस इस्लामपुर एंट्री भाई काफ़ी मस्त लग रहा है यार एंट्री वाला देख के मेरे को भाई, अच्छा अच्छा स्टेशन को फेल कर देगा ये तो एंट्री वाला हमारा बिहार शरीफ का भी मे बी। एंट्री के साथ ही देखो टाइम कितना हो रहा है, 9:54 भाई, मालगाड़ी यहाँ पे लगी एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। और क्रॉसिंग वाला देखो, वो बाइक वाला क्रॉसिंग वाला है लेकिन वो टूटा हुआ है तो उसको रोक दिया गया मे बी। और ये इधर से क्रॉसिंग का देखो यहाँ से बाहर, यहाँ भी कोई प्लेटफॉर्म टिकट का काम नहीं होता होगा, प्लस ये कोई ट्रेन पास हो रही है मालगाड़ी भाई, प्लेटफॉर्म तो काफ़ी सारा है बट मैं आपको ऊपर से जाके दिखाता हूँ कितना सारा प्लेटफॉर्म है। ये देखो इस्लामपुर स्टेशन लिखा हुआ है, प्लस यहाँ से भी अपन लोग आ सकते थे बट वो वाली मेन गेट से अपन लोग आए, देख सकते हो वहाँ पे वो मेन गेट था, वहाँ से अपन लोग आए क्योंकि बाइक भी वहीं पे पार्किंग की। और फिर यहाँ से अपन लोग ऊपर चलते हैं भाई, काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये तो, ये ऊपर का देखो भाई चढ़ने वाला बकरी भाई, ये देखो ये भाई, ओ भाई ये देखो ये बाइक बाइक लाने वाला, इधर से देखो इधर से चढ़ाने वाला, ये मे भी लगता है ना न्यू बना है बाइक लाने का ऊपर से डायरेक्ट, या फिर जो भी सामान उतरता है ना तो कुछ सामान को यहाँ से ऊपर लाने वाला, यहाँ से यहाँ पे ये लाने वाला, बट अभी बंद है क्योंकि अभी न्यू बन रहा है ये। और प्लस देखो मालगाड़ी, प्लस वो कौन सा ट्रेन है, हटिया इस्लामपुर, तो ये नई दिल्ली की ओर जाती है हटिया इस्लामपुर, ये दिख रही है ना
ये नई दिल्ली जाती है, बट अभी यहाँ पे आके लगी है, सामने सारी ये खुलेगी। प्लस ये देखो मालगाड़ी, एक में क्या चाहिए है भाई, गिट्टी है सब। अच्छा इसमें क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, गिट्टी है ना, रोड बनने वाला है फिर ऐसे ही है। अच्छा रोड को भरने वाला ना, जो रोड बनता है वो भरने वाला ये मिट्टी है। और देखो भाई पटरी देखो, 1, 2, 3, 4 बस चार ही पटरी है मेरे को लग रहा था। प्लस ये देखो अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, इधर की साइड कुछ वर्कर काम कर रहे हैं। देखो ये दिख रहा है, ये वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं वही सामान ऊपर लाने वाला। तो ये कुछ स्टेशन काफ़ी मस्त मेरे को लग रहा है। ये हटिया तो यहीं पे रुकी हुई है। प्लस ये कौन सा इंजन है, 1, 2, 3, 4 चार पटरी भाई, ये कैची का इंजन है पता नहीं मेरे को, कैची का इंजन है आप लोग कमेंट करके बताना गाइज। प्लस ये देखो यहाँ पे भी एक चढ़ने वाला बना रहा है, जो भी सामान ऊपर लाएगा ना उसका यहाँ भी बन रहा है। प्लस उसका तो भी काम चल रहा है, देख रहे हो कैसे मेहनत से लोग काम करते भाई, बल्कि धूप कितना भी हो भाई इनका काम काम होता है। और फिर ये लोग मेहनत का खाते भी है भाई, सोचो इतना धूप में काम करते, प्लस कहाँ बैठ के वो काम कर रहा है, सोचो रिस्की भी होता है, डेंजरस काम भी होता है, तो इसीलिए इनको पैसा मिलता है भाई। इनको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं ये लोग। प्लस ये देखो पटरी ऐसा कुछ है, और ये क्या चीज़ का इंजन है पता नहीं। और फिर इधर से भी एग्जिट का एक है, इधर से भी बाहर जा सकते हो और इस तरफ से बाहर निकलोगे उस तरफ, तो शायद यहाँ भी एक एंट्री वाला गेट बन जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इधर देख रहे हो भाई इंजन काफ़ी मस्त है, ये कैची का इंजन है। जो अगर रेलवे विभाग से देख रहे होगे ना प्लीज़ यार कमेंट करके बताना है कैची का इंजन है, मेरे को पता नहीं चल रहा है। और फिर ये भाई अच्छा लग रहा है मेरे को यार। तो वो तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 था, ये 2 है, ये 3 और फिर वो 4। तो अपन लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, और अभी से एक यहाँ पे बैठ चुका है और सामने एक साइड काम हो रहा है जो कि सामान लाने वाला ऊपर आने वाला है। तो अच्छा मालगाड़ी ये वाली खुल रही है, सुन रहे हो ना आवाज़ सुन रहे हो ना, तो इधर से मालगाड़ी खुल रही है। अपना ट्रेन है हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस नई दिल्ली, तो यही है ये नई दिल्ली की ओर जाती है। इसको शायद मगध भी लोग बोलते हैं, बट नहीं हटिया इस्लामपुर ही है ये वाली। शायद दोपहर में 1 बजे या 2 बजे यहाँ से खुलेगी। तो देख रहे हो सफाई होगी, आ चुकी है ट्रेन यहाँ पे लग चुकी है, और 1 या 2 बजे ट्रेन खुलेगी। प्लस यही कुछ स्टेशन तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस ये जो कुछ नया नया सामान ऐड हो रहा है ना, इसमें नया नया चीज़ यहाँ पे बन रहा है ना, जैसे कि कोई व्हीकल्स या फिर जो भी सामान आती है ना, लगेज सब आती है ना, तो उसको ऊपर लेके जाने वाला ना अच्छा सा ये चीज़ ला रहा है भाई यहाँ पे, काफ़ी मस्त सा चीज़ है यार। ऐसा ही विकसित होना चाहिए स्टेशन यार, जैसा कि इस्लामपुर का स्टेशन विकसित हो रहा है ना, और प्लस हमारा बिहार शरीफ का तो विकसित हो ही चुका है, प्लस और भी हो रहा है। और ये देखो मालगाड़ी खुल चुकी है, ये दनियामा की तरफ जाएगी शायद, पटना में भी इसका स्टॉपेज होगा, फिर ये सामान लेके कहीं और जा रहा होगा। बट स्टेशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइस, क्योंकि स्टेशन काफ़ी प्यारा सा है, काफ़ी अच्छा सा लगता है। प्लस यहाँ पे देखो ना कितना भी धूप आ जाए ना, तो यहाँ पे रुकने का जगह भी काफ़ी अच्छा अच्छा सा बना हुआ है, जैसा जो कि कल का वीडियो में जो कि आपने देखा था ना एकंगर सराय का, उससे लाख गुना अच्छा ये स्टेशन मेरे को लग रहा है। बट वो छोटा सा था, प्यारा सा था, वो मे बी हाल्ट था या फिर स्टेशन था मेरे को पता नहीं, बट ये जंक्शन ऐसा लग रहा है भाई। इसको अगर कोई जंक्शन बोले ना, तो इसमें तू तू मैं करने वाला बात नहीं होगा, ये जंक्शन लगता है। बट आप लोगों का विचार क्या है, आप लोगों को क्या लगता है स्टेशन या फिर जंक्शन, दोनों में से क्या लगता है प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। तो फाइनली भाई अभी 10 बजने को हो रहा है, और फिर अपना पीछे ये देखो ये मालगाड़ी खुल चुकी है, पटना के रास्ते जा रही है, शायद पटना जाएगी ये दनियामा होते हुए एकंगर सराय होते हुए। तो सिंगल लाइन है ना, इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा लेट से ही खुलती है। तो बस यही कुछ स्टेशन मेरे को ये वाली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। प्लस ये स्टेशन में जो भी और बन रहा है ना, ऐड हो रहा है ना, वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ये स्टेशन आप लोगों को कैसा लगा। प्लस ये स्टेशन इसको बोल सकते हैं या फिर जंक्शन बोल सकते हैं, ये भी कमेंट करके बताना। हालांकि ये जंक्शन है, इस्लामपुर जंक्शन के रूप में ही बोला जाता है, लेकिन रेलवे स्टेशन ही बोलते हैं, कितना लोग तो रेलवे स्टेशन को ही जंक्शन बोलते हैं ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन ये जंक्शन है गाइज, मैं आपको बता दूँ ये जंक्शन है, इस्लामपुर जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ट्रेन इधर उधर की ओर खुलती है। और ये लाइन यहाँ बोलना तो 4 पटरी टोटल है, 4 प्लेटफॉर्म है, प्लस एक और उधर बनने वाला है, तो 5-6 हो जाएगा। तो जंक्शन तो आराम से बोल सकते हैं, हालांकि 2 प्लेटफॉर्म वाले को भी जंक्शन बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाएगा ये आप लोग गेस कर सकते हो। और फिर मालगाड़ी खुल चुकी है, स्टेशन पे एक साइड ओपन हो चुकी है। सो अभी अपन लोग सोच रहे हैं यहाँ से घर निकले, क्योंकि अपने को भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, और फिर आप लोग को दिखा भी दिया स्टेशन, तो कैसा लगा स्टेशन कमेंट करके बताना।
तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। सो बाय बाय गाइस, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। क्रॉसिंग वाला अपन लोग तो इधर से ही क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि छोटा सा, प्लस अभी कोई ट्रेन नहीं आएगी, ट्रेन नहीं आएगी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो आप लोग, लाल बत्ती दिख रहा है इधर, ये लाल बत्ती जला हुआ है ना, इसीलिए कोई ट्रेन नहीं आएगी। प्लस फाटक ओपन है तो कोई ट्रेन आने की शंका भी नहीं है, तो इसी कारण से अपन लोग यहीं से क्रॉस करते हैं। प्लस मालगाड़ी आगे जा चुकी है और उधर लाल बत्ती उधर भी है, तो चलो अपन लोग इधर से ही क्रॉस कर लेते हैं। ये भाई एक बार अपना पाँव कटा है ना इसी का चक्कर में, इसीलिए सतर्की से अपन लोग नीचे जंप लेते हैं। बट ये देखो यहाँ से ऊपर कैसे जाएं, एक हाथ से काफ़ी नीचा था, और फिर आगे देखो वहाँ पे टिकट ये सब कटता है। प्लस अभी से एक देखो ऊपर सीढ़ी के साइड से आ गया, वो सही जगह से आया, ऐसा ही आना भी चाहिए, पटरी के साइड से ना हो वही सही होगा, क्योंकि ज़िंदगी बचाओ भाई, लाइफ में बहुत आगे जाना है तो ज़िंदगी बचा के चलो, प्लस अपना सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो